हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन हब में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान टेक्निकल हेल्प भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है कि लाइनमैन भर्ती का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी चालू कर दिए गए हैं। जैसा कि दोस्तों, लाइनमैन भर्ती में घोटाला मामला सामने आया है। हर तरफ यह सुनने को मिल रहा है कि लाइनमैन भर्ती में बड़ा घोटाला हुआ है, पैसे देकर काम हुआ है। कई परिवार तो ऐसे हैं जिनमें से भाई भाई नौकरी लग रहे हैं तो वहाँ घोटाले के बात कर रहे हैं। दोस्तों, इसी घोटाले के चलते हाई कोर्ट में रिट भी लगाई गई थी, तो उस रिट का क्या हुआ, इस वीडियो में हम उस रिट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, अब बात करते हैं उस रिट के बारे में जो हाई कोर्ट में लगाई गई थी JBBNL पर। तो दोस्तों देखिए, उस रिट का स्टेटस देखते हैं। पहले सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, उसका स्टेटस आपके सामने है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ठीक है दोस्तों, पेंडिंग है केस स्टेटस। सबसे पहले मेन चीज देखिए, यहाँ रजिस्ट्रेशन डिटेल नॉट रजिस्टर्ड, मतलब कि जो आपके रिट लगाई हुई थी अब तक वो रजिस्टर भी नहीं हुई है, तो उसकी सुनवाई कहाँ से होगी। ये देखिए यहाँ पे आप इसकी डेट देखिए, पहले कब लगाई गई थी ये फील्ड ऑन, तो ये देखिए 26/9/2018 को लगाई गई थी और आज तारीख हो गई 30/9/2010, मतलब कि आज 4 दिन से ज्यादा हो गए और अब तक इसकी कोई रजिस्टर भी नहीं हुई है, तो उसकी सुनवाई कहाँ से होगी। यहाँ देखिए आप, सब कुछ खाली है, एडवोकेट का नाम भी नहीं आ रहा, बस एक नाम आ रहा है जिसने लगाई थी, राम सिंह, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक ये आपके लिए अच्छी खबर नहीं है, अभी तक आपके रिट भी रजिस्टर नहीं हुई है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू है, तो इससे तो यही लगता है कि जो ये रिट लगाई गई थी ये शायद बेकार ही जाने वाली है। जब तक रिट रजिस्टर नहीं होती तब तक इसकी सुनवाई नहीं होती। दोस्तों जैसे ही कोई सूचना मिलती है रिट रजिस्टर होने के बारे में तो हमारे चैनल के द्वारा सबसे पहले आपको सूचित कर दिया जाएगा। कई अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि दोबारा एग्जाम होनी चाहिए, रिजल्ट दोबारा आना चाहिए, उसी के चलते ये रिट भी लगाई गई थी, लेकिन अभी तक ये देखिए नॉट रजिस्टर्ड बता रहा है, मतलब कि अभी तक ये रजिस्टर नहीं हुई है कोर्ट में, तो इसकी सुनवाई नहीं हो सकती। हो सकता है एक दो दिन में ये रजिस्टर हो जाए, तो जैसे ही रजिस्टर होती है तो सबसे पहले हमारे चैनल के द्वारा आपको सूचित कर दिया जाएगा, और जब भी इसकी सुनवाई डेट आती है सबसे पहले हमारे चैनल द्वारा आपको सूचित कर दिया जाएगा। दोस्तों, लाइनमैन के रिजल्ट को लेकर काफी युवाओं में आक्रोश दिख रहा है। अभी 2 दिन पहले जयपुर के रामनिवास बाग में भी काफी स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए थे और उन्होंने लाइनमैन का रिजल्ट दोबारा जारी करने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि लाइनमैन भर्ती में काफी घोटाला हुआ है, तो दोस्तों चारों तरफ इस भर्ती को लेकर काफी आक्रोश फैला हुआ है युवाओं में। तो दोस्तों देखते हैं आपकी रिट कब तक रजिस्टर होती है, जैसे ही कुछ भी सूचना मिलती है सबसे पहले हमारे चैनल द्वारा आपको सूचित कर दिया जाएगा। और हाँ दोस्तों, कई स्टूडेंट्स व्हाट्सएप नंबर मांगते हैं, तो मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो। अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो इंस्टाग्राम से पूछ सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।